तो दोस्तों देख सकते फाइनली हम बना चुके हैं कढ़ी। सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देख सकते हैं मिथुन विदेश उतर चुके हैं। खुश हो? हाँ। अच्छा यहाँ पर तो नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी देखिए लंच में दोपहर का टाइम है, कितना तेज से आंधी पूरा घाटा घेरा है। अभी हम रहे इधर देखिए, जो हमारा खेत है वो जोता चुका है और कल के वीडियो में देखे होंगे आप लोग। आ इधर देखिए हम कहाँ रखी हूँ चुरा के, जो गोहरा गांठी बोलते हैं उसी को। यहाँ पर देखिए पानी से सब दह जाता है, देखिए था तो मैं ये बिछा कर रखी हूँ, ये भी साइड में कर देती हूँ। चलिए पहले निकाल लेती हूँ उसको, इसको इधर साइड से बिछा देती हूँ, ये माटी हमारा दहेगा नहीं, देख सकते हैं। साइड साइड से धनिया का पत्ता लगाई थी, अब मैं सोच रही थी इस माटी पर और कुछ भी लगाएंगे, साग वो सब्जी उब्जी। तभी मौसम देखे कैसे हुआ है, घाटा कैसे चारों ओर से घाटा घेरा है। तो अभी हम लोग सब सामान घर में रख देती हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो खांसी की दवा लगाई थी तो कितना अच्छा, अब मौसम चेंज हो रहा है ना बरसात के, तो देखिए लग रहा है। अरे सब बकरी खा जाती थी, देखिए यहाँ पुचकी उचकी फेंका है, तो एक जमा था। हाँ सब बकरी खा गई, बड़ा बड़ा इसका पता हुआ था। अब इधर देखिए कितना अच्छा पता हो रहा है इधर यहाँ पर। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं, देखिए सूखा है, देखिए कैसे हो गया, थोड़ा थोड़ा बारिश हो गया। उधर साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, अभी जितना इधर माटी भरी थी तो सब बारिश हुआ था तो इधर अथी आ गए, इसको साफ सफाई कर देती हूँ बराबर करके, इसके साइड से मैं बराबर बना रही हूँ। और उधर भी माटी भर के और शाम को सब्जी जो हम लोग क्या बोलते भिंडी लेके आए हैं तो कल भिगो कर रखी थी तो रात में छान दी हूँ, तो उस जमना शुरू हो गया। तो हाल ही माटी बराबर करके उसके बाद हम लोग भिंडी लगाएंगे सब्जी। यहाँ आप देख सकते कितना से सफाई कर दी, कितना से सफाई कर दी और मिट्टी के सब ऊपर रख दी हूँ और नीचे नीचे लैपटॉप के जो पेड़ है उखाड़ उखाड़ कर रख दी थी, इधर से माटी जाकर उधर नहीं जाएगा। अभी देखिए इधर खेत जोताना शुरू हो गया है, कितना सारा बकुला है और वो जो खेत जोता है ये भी है उन्हीं के, ये भी है ये लाइन से है उन लोग के, तो ये जोताएगा उसका भी। आज मैं सफाई कर ली हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, चलिए थोड़ा सा आराम करो। तो जो गेहूँ डाली थी सूख गया, इसको फटक लेती हूँ। अब मैं ये खेत में से हाथ को धो ली हूँ, हाथ को थोड़ा बैठी हूँ फटकने के लिए। इधर देखिए बेटी पास सोए हैं क्योंकि कल जाना है काम पर, रात में देखिए बीजे के देखिए कितना बड़ा आम लेके बैठा है। आम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट इधर आ बेटा, आम रख दो खट मीठी बनाते हैं, रख दो रख दो, इधर जा रख दो। दोस्तों देख सकते हैं अभी आकाश के ऊपर किसी ने कौन गाना गाया था, कैसे बॉम्बे में लेके मकानिया रख ले दूध को नचनिया, जय आकाश देखो कि दोस्तों कैसे रोने लगा। बॉम्बे अभी गया ही नहीं, अभी छोटा सा बच्चा है, अकादम मकानिया में नचनिया रख ले, इधर दिखाओ फेस कहाँ कैमरा टूट जाएगा, देख सकते दोस्तों कितना गुस्से वाला है। आई यही खुद गाता है कि बॉम्बे में लेके मकानिया रख ले बनी दूध को नचनिया, खुदे रोता है। दोस्तों सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अभी सुबह सुबह का मौसम देख लीजिए, अभी 5:30 हो रहा है, बच्चे भी उठे हैं, मौसम देखिए सूर्य भगवान भी दिखाई दे दिए हैं, देखिए कितना तेज कुहा घेरा है, पूरा कुहा कुहा से जैसे लग रहा है ठंडा का मौसम है। बकरी सब इधर आएगी, धूप निकल रहा कितना अच्छा लग रहा है, मगर ठंडी के मौसम जैसे लग रहा है कुहा जैसे पूरा चारू और कुहा घेरा है। बकरी की निकाली इधर है हमारे बकरी, यहाँ पर देखिए जो मिट्टी भर कर रखी है वही मिट्टी कितना अच्छा हुआ है, वहाँ पर खाल है तो उस पर भी भरूँगी आज, बीजे काम पर जाएंगे आज। तो मैं पर चलती हूँ, बस करने के बाद खाना बनाना शुरू करेंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद हम कोई काम करेंगे घर पर।
दोस्तों बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ, अब मैं चल रही खाना बनाने। हम लोग नाश्ता बना के खिला उला के भेज दी हूँ, पूजा पाठ भी कर ली हूँ सब सफाई करने के बाद। और मैं सोच रही खाने में क्या बनाऊँ, वही तो विजय पापा से पूछी हूँ। तो विजय पापा बोले हैं कुछ भी बना दीजिए, हम जा रहे हैं काम पर, थोड़ा सा कुछ भी बना लेती हूँ, बच्चे आएंगे तो लंच में खाएंगे। अभी देखिए कितना तेज से धूप निकल रहा है। तो दोस्तों देख सकते फाइनली हम बना चुकी हूँ कढ़ी और चावल। अभी विजय पापा काम पर जा रहे हैं, खाना भी नहीं खाए, खाली गुलकुंडी पिए हैं सुबह सुबह, बोले भूख नहीं लग रहा है। तो अभी देखिए खा लूंगा, 8 जाम है ना, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तैयारियों के निकल चुके हैं, कपड़ा थोड़ा सिवा लिया क्योंकि शादी ब्याह में लाइट लगाता हूँ और जाम तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो इलेक्ट्रीशियन जैसे लगेंगे या बाकी तो सन जाते हैं, कोई नहीं। आज 8 जाम है उसी में जा रहे हैं, तिलक भी आ रहा है ना, तिलक और जहाँ कल बारात आएगा ना, लगता रहे 2-3 दिन है, तो वहाँ 8 जाम होगा, कल 8 जाम खत्म होगा तो फिर बाकी बारात आएगा। चलिए मैं चलता हूँ, पैदल चलना पड़ेगा, वो साइकिल विजय लेके गया, एक साइकिल वहीं पे है, टेंट मारे के पास वहीं पे छोड़ के चले आए। अभी बेचारे आए थे बाइक लेके, लेकिन मेरे में ही थोड़ा नहाने लगे थे। चलिए मैं अभी चल जाता हूँ, मैं चल। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और मेरे भी बहुत सारा काम है, तो मैं जा रही हूँ तब तक ले। देखिए अभी कितना ही पानी डाली हूँ, तभी इधर से पानी निकल रहा है साइड साइड से, तो मैं उसको भी चलती हूँ ढेरा लिए जाकर दाब के अब बराबर कर देती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जो कप से अचार भिगो कर रखी हूँ कितना अच्छा हो गया, भीग गए हैं, गल गया है, भीग गए गल गया, इसको थोड़ा सा धूप में डाल देती हूँ। अभी मैं चलती हूँ पहले मसाला इसको तैयारी करने, पहले खाना खाने के बाद। तो दोस्तों देख सकते हैं कढ़ी में बना चुकी हूँ, खाली इसमें कुछ भी नहीं लिया, थोड़ा सा बेसन था हल्का सा, इसे टमाटर धनिया टमाटर है प्याज ऐसे ही डाल के छौंक दी हूँ। चावल देखिए यहाँ पर बन गया हमारा कितना अच्छा। चलिए पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद बच्चे आएंगे हमारे तो खाएंगे, अभी जब 2-3 दिन के बाद आएंगे तभी मैं हम लोग खा लेती हूँ, उसके बाद मसाला तैयारी करूँगी अचार के लिए। तो दोस्तों आइए आप लोग भी खा लीजिए कढ़ी और चावल, मैं चल रही हूँ खाना खाने, अब पहले खा लेती हूँ, उसके बाद बहुत सारा काम है, मसाला ही बनाना है अचार के लिए, भिंडी भी रोपना है, भिंडी के बिया भी सही है रखी हूँ इधर भिगो के। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग पहले खाना खाने के बाद। नाली खाना वाना खा ली हूँ, खाना खाने के बाद तो तेज धूप निकला है, तो मैं सोच पहले इसको थोड़ा सुखा देती हूँ, उसके बाद मसाला फेंटूंगी। बकरी भी है बहुत ज़्यादा इधर, एक सामान बाहर भी नहीं रहने देती है, मैं इसको ऊपर रखूँ ऊपर कर। तो दोस्तों देख सकते हैं ऊपर रख दी हूँ यहाँ पर, अब मैं चलूँ मसाला उसको लाने, और मसाला घर पर है तो उसको गर्म करूँगी, और जो नहीं है दुकान पर से खरीद के लिया लेती हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए हम निकली हूँ घर से, अभी जो बोले हैं थोड़ा चावल भी खरीद के रख दीजिए, क्योंकि चावल और आटा हमारे पास रहेगा तो खाने में कोई सब्जी रहे ना रहे, तो चलिए थोड़ा सा बोले हैं तो जा रहे हैं वही चावल लेके आए खरीद के, मतलब पैसा बोले हैं जब हम आएंगे 2-3 दिन में दे देंगे, तो कुटवाई है तो बोलिए ले जाओ, तो मैं वही लेने जा रही हूँ अभी। तो दोस्तों देख सकते चावल खरीद के लिया दी हूँ, तो छिटा के बाल्टी में रखी थी, तो यहाँ पर देखिए अभी वही चावल है नया है कुटवाया है वह साफ से। तो अभी चलिए गेहूँ भी आटा भी पिसवा लिए, चावल भी हो गया है, अब खाने में दिक्कत वक्त नहीं होगा। चलिए जो चावल गिरा है उसको बीन लेती हैं पहले। तो दोस्तों देख सकते बकरी आ गई, इसको पानी आकर पी लिए, पी गई यहीं बैठेगी छा। अब मैं चल रही हूँ जो मसाला बचा हुआ है सब झीली में बांध के रखी हूँ, अचार के मसाला है इधर देखिए कैसे कैसे सब रखी हूँ। चलिए पहले इसको देख लेती हूँ कहाँ कौन सा अचार का मसाला है, सफाई करके धूप में थोड़ा सुखा देती हूँ। दोस्तों अभी हम आ चुकी हूँ मसाला वसाला लेके, नमक वमक है हल्दी है, बकर देख के देखती है कुछ कहीं से आती है तो लगती है बोलने में,
चलिए पहले इसको तोड़ लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सरसों जो धो कर रखी हूँ, थोड़ा सा भी गीला है, अभी इसको गर्म करूँगी पीसने के लिए। और यहाँ पर देखिए अचार में डालने के लिए जीरा है, मिर्चा है और धनिया भी है। तो ये सब गर्म करके ये भी और पीसूँगी इसमें जो है, तो इसको गर्म करके ऐसे ही डालूँगी। हल्दी भी खरीद के लेकर आई हूँ अभी, नमक भी लेकर आई। तो चलिए पहले गर्म कर लेती हूँ गैस चला देती हूँ। तो दोस्तों देख सकते कैसे भूज रही हूँ, ये सरसों है, ज़्यादा नहीं भूजी हूँ, थोड़ा थोड़ा गर्म होगा फूटने पर आया तो मैं उतार निकाल दी हूँ। अब मैं चल रही हूँ इसको भी भूजना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मिर्चा भी भूज ली हूँ, ये मसाला धनिया और जीरा दोनों ही एक ही मिक्स कर दी हूँ। आ तवा गर्म था तो बंद करके उस पर भी थोड़ा सा ये जो है इसको भी गर्म कर ली हूँ हल्का हल्का। तो चलिए ये तो नहीं पीसूँगी मगर इसको पीसने वाली हूँ। तो चलिए दोनों को सब मिला के पीस कर पेस्ट बनाते हैं इसको पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पर मसाला पीस ली हूँ, ज़्यादा मैं ही नहीं की, थोड़ा सा मोटे हैं हल्का सा, अभी मैं पीस उस ली सारी मसाला। हल्दी डालना है खाली, तो चलिए अभी मैं उठा कर लेकर आती हूँ। मौसम देखिए अभी आज मौसम सही है, ज़्यादा घाटा भी थोड़ा सा है हल्का हल्का, बारिश की जैसे मौसम है, हवा भी चल रहा, धूप तेज नहीं निकला है, तभी मैं उतार लेती हूँ ऊपर से। तो दोस्तों फाइनली मिथुन बाबू आ चुके हैं घर पर, अभी कॉल किए हैं, मुझे पता नहीं था, मैं सोची आज गाड़ी पर बैठेंगे। तो अभी मैं चल रही खाना भी ले लेती हूँ, देखिए सब्जी और मानसी खाएगी, कढ़ी और चावल बनाई हूँ, अचार ले ली। तो इसको पहले ढक्कन से ढक लेती हूँ बढ़िया से, मैं चल रही हूँ। खाना यहीं पर रख देती हूँ, पहले चाबी ले लेती हूँ मिथुन बाबू की, चाबी बड़े पापा के पास है, शायद बड़े पापा उधर हैं, अभी मैं जा रही हूँ उनके पास, अब वहीं से चाबी लेके आऊँगी। तो दोस्तों अभी निकल चुके हैं घर से, बीचे अभी स्कूल से नहीं है, अब विकास आ चुका है तो घर पर छोड़ दी हूँ, बोलिए देखा तो बीजे विकास में मानसी आ गई, हम भी चल हम कहीं नहीं खाना दे के आती हूँ, हम घर पर आ जाएंगे तो उसके बाद जाते रहना, तो पहले खाना दे के और चाबी भी मांग ली है बड़े पापा से, तो चाबी भी दे देती हूँ। देखिए कैसे खेत देखे थी, मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। देखिए काश भी आ गए, यहाँ पर आ गए हैं, तो देख सकते हैं मिथुन बाबू विदेश उतर चुके हैं। कितना सारा सामान लेकर, मानसी की साइकिल कितना क्यूट है, यहाँ का मौसम देखिए कितना अच्छा बात है, अब घर में रहते रहते बेचारा बोर हो गए बहन लोग। इधर देखिए कितना अच्छा मौसम बटे, अब बाबू हमारा भी आ गए हैं स्कूल से, तो यहीं पर सभी बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर आकाश भी अपन ड्रेस खोलना शुरू कर दिया है। मानसी ए मानसी कैसा लगा था, खुश हो रू? हाँ यहाँ पर आके मानसी भी खुश है, टूटा थी पंखो ना चला मैंने सही, अब बहुत सारा सामान है अभी खोल के चेक करेंगे हम भी का है। देख सकते हैं मानसी बोल रही है हम भी जाएंगे अपने घर, देखिए कैसे बैठेगी उस पर, तुम्हारा है हाँ भैया के है, नहीं भैया के दे दो, ये भैया के है, आकाश के दे दो, आकाश को नहीं दोगी मानसी, आकाश को नहीं दोगी हाँ। तभी काजल खाना ना खा रही है घर में है अभी, मिथुन बाबू भी थोड़ा आराम कर रहे हैं, गाड़ी में जानते हैं थक गए होंगे, तो लग चल चल, तभी हम जा रहे हैं अपने रूम पर, बच्चे को खाना ना खिलाऊंगी, चल हम पकड़ते हैं चलो। तो दोस्तों देख सकते हैं मानसी के लेके जा रही हूँ, देखिए गिराना मत मानसी ठीक है, चल चल देखो गाड़ी है इधर घुमा, पकड़ो पकड़ो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं देख सकते हैं यहाँ पर, मानसी हेलो बोलो, हेलो नमस्ते बोलो, हाँ मुझे नहीं आता है मानसी को नमस्ते बोलना नहीं आता है, बोल रही मुझे नहीं आता है नमस्ते बोलना, खाली हेलो हाय बोलती है। बच्चे देखिए यहाँ पर मानसी को साइकिल, यहाँ पर विकास भी आ गए, सब बच्चे आ गए हैं स्कूल में, देखिए अंडा मिला है, चलिए हाथ उगड़ धोल बेटा, हाथ उगड़ धोगा तो खाओ, जा हाथ उगड़ धो बोले,
दोस्तों देख सकते मसाला जो पीसी थी वैसे ही रखी हूँ, वहीं पर ढक दी हूँ, मसाला अचार में नहीं फेर पाई। यहाँ पर देखिए मानसी आके खेलना शुरू कर दिए। मानसी अच्छा लग रहा है? तो यहाँ अच्छा लग रहा है। अभी बच्चे स्कूल से हमारे आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर तीनों बैग रखे हैं। ओ कैरम बोर्ड की गोटी होटी, अच्छा कैरम बोर्ड जानती हो? हाँ सही है। अभी देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो चुका है, अब वीडियो भी नहीं डाल पाई क्योंकि हम चल गए थे इधर, अचार मसाला भी नहीं डाल। तो दोस्तों फाइनली हम भी आ गए हैं अपने घर पर, और वो भी लोग अपने घर पर आ गए हैं बढ़िया बढ़िया से, अच्छे अच्छे से। मुझे पता नहीं था, मैं फ़ोन की थी, बोले जी हाँ ठीक है, आज बोले हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। अब मैं उसी समय से घर पर भी आ गए हैं तो फ़ोन की थी, बोले ठीक है आज हम लोग शो का भी उठे हैं, मजाक कर प्रैंक कर रहे मेरे से जे सरप्राइज देने के लिए। तो आखिरी में बताना पड़ा क्योंकि चाबी बड़े पापा के पास था, तो मैं ढूंढ मांग के लेके जाके दे दी हूँ, ना तो नहीं बताते वो लोग प्रैंक करते मेरे ऊपर। मुझे पता नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से आ गए वही बहुत अच्छा है। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम लोग तब तक ले आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, हम लोग हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तले हमारे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप लोग।